हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइज हम लोगों ने आपका मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर वन जो है वो कंप्लीट किया था। लास्ट वीडियो में हमने आपको एडवेंट ऑफ यूरोप्स के बारे में बताया, दैट कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज की इंट्रूजन इंडिया में देखी गई थी ड्यूरिंग द 14th एंड द स्टार्टिंग ऑफ द 15th सेंचुरी। एंड हमने देखा कि जो है सी रूट किनके द्वारा खोजा गया, एंड जैसे ही वास्को डी गामा ने अपना सी रूट जो है वो खोजा तो उनके साथ साथ या हम ये कह सकते हैं कि उनके पीछे पीछे बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी इंडिया में देखा गया था। उन्होंने भी अपनी सेटलमेंट्स या आप ये क्यों कह सकते हो कि फैक्ट्री सिस्टम जो है अपना इंडिया में एस्टेब्लिश किया, और उनका सिर्फ एकमात्र जो है वो गोल था यहां पर सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन और इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाना, ट्रेड करना, और ट्रेड से ढेर सारा प्रॉफिट यूरोपियन मार्केट्स में जो है वो कमाना था। हम गवर्नर्स को डिस्कस कर रहे थे, एंड लास्ट टाइम हमने जो गवर्नर्स के बारे में पढ़ा था हमने पढ़ा था अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर्की के बारे में। नाउ अब एक और गवर्नर्स पोर्तुगीज के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं इंडिया के अंदर, जिनका नाम है नीनो डे कुना, जो 1500 से लेकर 1528 तक इंडिया में एज अ गवर्नर उनकी पोस्ट रही थी, और ये इंडिया में ट्रेड को संभाल रहे थे फ्रॉम पोर्तुगीज साइड। देखिए इन नवंबर 1929 में नीनो डे कुना को अपॉइंट किया जाता है एज अ गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन द इंटरेस्ट इन इंडिया, एंड ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया मूव्ड इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचिन टू गोवा। हमने क्या देखा था कि इनसे पहले के जो रूलर थे उन्होंने बीजापुर के रूलर से गोवा को जीता था, और फिर देखिए इन्होंने क्या कर दिया, कोचिन से गोवा अपनी कैपिटल या आप यूं कह सकते हो अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया, और इनका जो मेन बेस बना इंडिया के अंदर वो गोवा था। तो गोवा से बैठकर ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे इंडियन ट्रेड को जो है वो संभाल रहे हैं। तो गोवा, नाउ गोवा बिकम द मेजर हेडक्वार्टर ऑफ पोर्तुगीज सेटलमेंट इन इंडिया, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये पोर्तुगीज जो हैं वो इंडिया में थे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, मुगल रूल चल रहा है इंडिया में। उस टाइम पर मुगल रूल था, और मुगल रूल जो एम्परर थे हुमायूं और बाबर जो थे और गुजरात के, उन्होंने क्या किया, सपोर्ट लिया पोर्तुगीज का बाय ट्रांसफरिंग द आइलैंड्स ऑफ बेसिन, उनकी बहुत सारी मदद ली, और बदले में उनको देखिए बेसिन के जो आइलैंड्स वगैरह हैं ये उनको उन्होंने दे दिए अलॉन्ग विद द डिपेंडेंस ऑफ इनकम एंड टू दैम इन 1534 में। एंड ही देखिए यहाँ पर एक और चीज़ क्या है, फिर इन्होंने जो दीयू है, ठीक है, आज के टाइम पे जो यूटी है दीयू, उसको भी इन्होंने अपना बेस बनाया। तो कहने का मतलब यहां पर ये चीज है गाइस, देखिए कि अब पोर्तुगीज शुरू में आए तो सिर्फ कैलिकट को ही जानते थे या कैलिकट में ही वो ट्रेड करते थे, लेकिन जैसे जैसे उन लोगों ने ट्रेड से प्रॉफिट कमाया उससे क्या किया उन्होंने गाइस, उससे उन्होंने अपने जो सेटलमेंट्स थी उनको बढ़ाया। कहने का मतलब ये है, सिंपल लॉजिक में अगर आपको समझाऊं तो ये है कि ये जगह जगह पर या अलग अलग स्टेट को जो है वो अपना बेस बना रहे हैं, उस पर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, वहां का रिसोर्स जो है उसको अब एक्सप्लॉइट करेंगे, या जो भी इनका मेन मकसद था यहां पर आने का वो ये लोग करेंगे। तो शुरू में ये एक जगह पर सेटल होंगे, फिर धीरे 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 ये दुनिया जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अलग अलग जगहों पर आप यूं कह सकते हो कि ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड ये लोग अपना बेस बनाएंगे गाइस। और जितनी भी ये कंपनीज होंगी ये हमेशा पोर्ट सिटीज को सिलेक्ट करेंगी, बिकॉज गाइस कि अगर हम बात करें मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की तो उस टाइम पर सिर्फ एक ही मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, दैट इज थ्रू नेवी, थ्रू सी रूट आप लोग जो है ट्रेड कर सकते हो। वी डोंट हैव एरोप्लेन्स और द मतलब जैसे आज हम ट्रांसपोर्ट के हमारे पास बहुत सारे साधन आ चुके हैं, इस टाइम एक ही साधन है वो है सी रूट के थ्रू, जो हम शिप्स पर कार्गो जो है यहां से वहां कर सकते हैं। इसलिए इस टाइम पर जो सबसे मेजर सिटीज होंगी ये यूं कह सकते हो आप उस टाइम की आईटी सिटीज, जैसे हम आज कहते हैं हमारी आईटी सिटीज हैं, उस टाइम की अगर आप आईटी सिटी का कंसेप्ट लेके चलो तो आपको पोर्ट के पास जो सिटी होगी वो ज्यादा डेवलप्ड होगी एज कंपेयर टू बाकी सिटीज। क्यों? क्योंकि वो ऐसी लोकेशन पर होगी जहां पर लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो है वहां पर एम्प्लॉयड होंगे लोग, वहां पर जाकर काम करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयड होंगे और वहां पर उनको जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो वो लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसलिए हर कोई जो है उस टाइम पर शिफ्ट होना चाहता था किसी कोस्टल एरिया पर जहां पर पोर्तुगीज या बाकी
यूरोपियन कंट्रीज की सेटलमेंट है। तो देखिए नीनो डी कुना ने भी कुछ ऐसा ही किया, उन्होंने भी इंडिया में रहते हुए बहुत तरीके से अपनी जो कंपनी थी, ये कह सकते हैं कि अपनी जो पोर्तुगीज की इनकी जो कंपनी थी उसके लिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत रहा। उन्होंने गोवा, इन्हीं के टाइम पर गोवा को बेस कैंप बनाया गया, हेडक्वार्टर बनाया गया, दीव जो है इनको दे दिया गया, दमन इनको दे दिया गया, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो इनको मिल गई। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अब पोर्तुगीज की पावर जो है इंडिया में वो अब बढ़ती जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद क्या एक कोई और गवर्नर इनके टाइम पर आते हैं। तो यहां पर देखिए जो कूना है वो ऑल्सो एम टू एनहेंस पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल। अब देखो पहले ये लोग सिर्फ ईस्टर्न साइड पर ही थे, ये लोग इंडिया के खाली इस साइड पर आए, कोई यहां पर है, कभी यहां पर है, गोवा में है, फिर इन्होंने इधर इनको ये जगह भी मिल गई, तो ईस्टर्न साइड पर इनका इन्फ्लुएंस था। लेकिन जब नीनो डी कुना आए गवर्नर, तो इन्होंने कुछ ऐसा काम किया, जैसे यहां पर कह रहा है कि मुगल और जो एम्परर हैं हुमायूं वगैरह जो हैं, इनके साथ इनके रिलेशंस अच्छे हुए और इनको परमिशन मिली कि आप बंगाल में, दैट इज इन वेस्ट ईस्टर्न साइड में भी आप जो हैं अपनी सेटलमेंट लगा सकते हो। तो दे गॉट परमिशन कि आप बंगाल में आइए और वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब वहां से आप ट्रेड की जो है अपना जो ट्रेड है उसको बढ़ा सकते हो। तो यहां से देखिए एक बार मैं आपको मैप पर दिखा दूं कि मैप पर ये लोग देखिए कहां कहां पर एस्टेब्लिशमेंट इनकी थी। तो यहां देखिए इनके बारे में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, मिंटू से आपको जस्ट दिखाया हुआ है कि ये कहां कहां पर थे। सो देखिए ये यहां पर गोवा में है, ठीक है, ये यहां पर बेसिन में है, ये देखिए ये इनको मिला था। उसके बाद हम कैननोर में इनको देखते हैं, उसके बाद हम इनको कैलिकट में ये ऑलरेडी थे, कोचिन में ये लोग थे। उसके बाद हम यहां देखते हैं नीचे वाली साइड, तो कोलंबो मतलब दैट इज इन श्रीलंका में आपके पोर्तुगीज हैं, ठीक है, गैले में पोर्तुगीज हैं। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट अगर देखें इनका, तो ये देखिए यहां पर दैट इज इन त्रिंकोमेले श्रीलंका में ये लोग थे। उसके बाद हम यहां देखते हैं मातारा में ये लोग थे, है ना। उसके बाद नागापट्टनम में ये लोग थे। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, तो इस तरह भी ये आ गए थे, जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये वेस्ट बंगाल में भी आ गए थे। तो इतनी सब जगह जब शुरू में ये आए तो खाली कैलिकट को जानते थे, लेकिन देखिए गोवा को कैप्चर किया गया, इधर से इसको कैप्चर किया गया, यहां पर श्रीलंका में ये है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पोर्तुगीज का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ा था। उसके बाद गाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रहती है, अब पोर्तुगीज जब इतने पावरफुल बने तो ये डिक्लाइन क्यों हुए, इनकी पावर जो है वो कम क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ था कि इनकी जो पावर है वो इंडिया में कम होना स्टार्ट हो गई थी। देखिए मेन जो हमारा मकसद है मॉडर्न इंडिया में, अगर आपने जब पढ़ना होता है तो हमारा मेन जो फोकस रहता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ स्ट्रगल को डिस्कस करते हैं, दैट हम कहते हैं ना स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रगल रही है इंडियंस की वो ब्रिटिशर्स के साथ रही है, इसलिए बाकी कंपनीज के साथ हमारी इतनी स्ट्रगल नहीं रही है। और अंग्रेज ही थे, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ही अपने लोगों को जो है वो सबसे पहले, तो मतलब जितनी ये ट्रेडिंग कंपनीज होंगी, जैसे हम पोर्तुगीज की बात करूंगा, मैं डच की बात करूंगा, मैं डेन्स की बात करूंगा, इन सब का जो इन्फ्लुएंस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो इंडियंस ने नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स ने कम किया था। क्यों? क्योंकि ये यूरोप में भी इनकी आपस में नहीं बनती थी तो इंडिया में भी इनकी नहीं बनती थी, और ये लोग ट्रेड वॉर्स में आ गए थे, है ना। तो ट्रेड वॉर्स की वजह से क्या हो गया, ब्रिटिशर जो है वो जीते जा रहे थे और एक एक कंपनी को इंडिया से एलिमिनेट कर रहे हैं। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है रीजन ये भी हो जाए, हो सकता है कि ब्रिटिशर जो हैं वो प्रॉफिट कमाना चाहते थे, कि उनको ऐसा लगता था कि जितनी कंपनीज इंडिया के अंदर रहेंगी उतना प्रॉफिट डिवाइड होगा सब लोगों के बीच में, तो क्यों ना हम लोग इन कंपनीज को एक एक करके आउट करें इंडिया से, और जब एक कंपनी पीछे रहेगी वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी। और ये मतलब थिंकिंग कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास थी, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने पोर्तुगीज के साथ लड़ाई लड़ी है, कहीं पर उन्होंने कोई ट्रीटी करके लैंड ले ली है, डच को भी ऐसे ही किया, फ्रेंच के साथ उनकी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी वॉर यूरोप के अंदर भी चल रही थी और यहां पर भी उसका असर देखा गया, और उन्होंने फ्रेंच की एसेंस को भी इंडिया के अंदर काफी कम जो है वो किया। तो ये मैप याद रखिएगा, आपको इससे पता चल जाएगा। ये सिर्फ आपके लिए है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहां पर ये सेटलमेंट है। नाउ देखिए डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज क्यों हुआ, तो डिक्लाइन होने की वजह है कि जितने भी अल्फोंसो डी एल्बुक्यूरकी के बाद जितने भी गवर्नर्स को, पोर्तुगीज गवर्नर्स को इंडिया में अपॉइंट किया गया, दे आर नॉट एज मच एज इन्फ्लुएंशियल, और यू कैन से एज मच एज मतलब आप कह सकते हो कि गुड एज एल्बुक्यूरकी वॉज। जितने एल्बुक्यूरकी इन्फ्लुएंशियल थे, जितनी उनकी पॉलिसीज वर्क करी,
बाकी के जो गवर्नर्स थे वो इतने जो है वेल डेवलप्ड नहीं हो पाए, और फाइनली इससे क्या हो गया था, डिक्लाइन होना पोर्तुगीज का स्टार्ट हो गया था। बाकी अगर हम दूसरी चीज देखें तो रिलीजियस अफेयर्स जो देखें अगर हम पोर्तुगीज के, तो वो काफी इंटॉलरेंट थे और फैनेटिकल थे। फैनेटिकल मतलब है कि बुजदिल काइंड ऑफ हरकतें ये करते थे, है ना। इन्होंने इंडियंस लोगों को जो है वो कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इंडियन पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी, और जो प्यार से मानेगा तो प्यार से करते थे, अदरवाइज बाय फोर्सफुली भी इन्होंने कन्वर्जन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर करवाई हुई है। ऑन द अदर हैंड दे विल नॉट यू नो दे इन्वॉल्व इन हिनोशियस क्राइम्स, ये लोग हिनोशियस क्राइम्स में आ गए थे, जैसे ये इंडियंस को कुछ नहीं समझते थे, रेप मर्डर ये डकैती वगैरह चोरी है ना क्राइम, ये आम बात थी उनके लिए, और वो यहाँ के जो रूल थे, यहाँ के जो हमारे कंट्री के डिफाइनेंस ऑफ द लॉ थे, ये यहाँ के जो हमारे लॉ थे उनको नहीं मानते थे, ये कहते थे कि तुम्हारे लॉ हैं हम क्यों माने, हम यहाँ के लोग नहीं हैं, वी आर फ्रॉम अब्रॉड एंड हम वहाँ के रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इंडियन सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ये उनको भी नहीं मानते थे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न माना जाता है पोर्तुगीज के डिक्लाइन होने का। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे एक रीज़न है, तो गाइज इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक ये लगा सकते हो आप कि देखिए अगर मैं आपके घर आता हूँ और आपके घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जैसे लाइट के आपको 8 बजे खाना है, 9 बजे आपको सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है, तो ये आपके घर का रूल्स हैं, लेकिन मैं जब आपके घर पे आता हूं, मैं जब ये चीज को फॉलोअप करूंगा तो आप मुझे ज्यादा लाइक करोगे एज कंपेयर टू आप, मैं 9 बजे नहीं मैं 11 बजे खाना खाऊंगा, तो आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन बर्दाश्त करोगे, 1 दिन आप बोल दोगे कि भाई यहां पर टाइम का खाना मिलता है। सो यहां पर भी सेम आप ये कह सकते हो कि इंडियंस लोगों को लगातार जब ये चीजों को सामना करना पड़ रहा है तो हर इंडियन जो है वो पोर्तुगीज के खिलाफ होता जाएगा। अगर आप रिवोल्ट जब 1857 का अगर आपने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा या उसके कॉजेज आप पढ़ते हैं, तो हमने क्यों किया था रिवोल्ट, इसीलिए किया था क्योंकि वो लोग जो है वो हमारी पर्सनल लाइफ तक घुस गए थे, वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारी सोसाइटी जिन नॉर्म्स के ऊपर बनी है, जिन नॉर्म्स के ऊपर वो वर्क करती है, जिन नॉर्म्स के बेस पर वो काम कर रही है, उन नॉर्म्स को वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी किसी इंसान के पर्सनल रिलीजन अफेयर पर या उसके पर्सनल लाइफ पर कभी कोई बात आती है, ही विल डेफिनेटली डू अ रिवोल्ट। ये फैक्ट है, ह्यूमन हिस्ट्री का फैक्ट है, ये ह्यूमन नेचर है। तो ये सब जो है वहां पर देखा गया, तो ये चीज जब लोग इनके खिलाफ होते गए तो हम लोग देखते हैं कि पोर्तुगीज की डिक्लाइनेशन इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी तरफ से जो इंडिया में लाए गए, यहां पर ये देखिए एंटी जो एक्शंस जो है इनके कैलमिनेटेड इन एंटी पोर्तुगीज सेंटीमेंट्स इंडियंस के अंदर ऑब्वियसली आ गए थे। उसके बाद गाइज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रहता है कि पोर्तुगीज की तरफ से इंडियंस को दिए गए कुछ तोहफे हैं, तोहफे इन द सेंस के उनकी वजह से ही इंडिया में ये सब चीजें मुमकिन है, वो लोग ये कंसेप्ट लेकर इंडिया आए थे, जिसमें आपका टमाटोज, पाइनएप्पल्स, गावाज, कैश्यूज, ये सारे के सारे जो हैं पोर्तुगीज का जो है माना जाता है कि इन्वेंशन इंडिया में था। अच्छा, टबैको उनकी तरफ से हमें था, पटैटो, है ना, ऐसे बहुत सारी कमर्शियल क्रॉप्स और जो है आप कह सकते हो बहुत सारी प्लांटेशन का जो कंसेप्ट है, कॉफी इन द कॉफी भी आप जो जानते हो, कॉफी का भी इंट्रोडक्शन इंडिया में इन्हीं पोर्तुगीज के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि यहां का क्लाइमेट बहुत उनके जो ये क्रॉप्स है उनके लिए काफी सूटेबल था, तो वो लोग यहां पर लोगों को कहते थे कि ये चीज उगाओ, और इसको उगाने के बाद वो यहां से इसको लेकर यूरोप जाते थे और वहां बेचकर उसका प्रॉफिट कमाते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो इंट्रोडक्शन है इन क्रॉप्स की इंडिया में पोर्तुगीज के द्वारा की गई थी। तो देखिए गाइस, इतना सा था आपके पोर्तुगीज के बारे में, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मेजर फैक्ट क्या याद रखिएगा आप, कि पोर्तुगीज ही थे जिन्होंने इंडिया में सी रूट खोजा था, जिनमें वास्को डी गामा का नाम सबसे जो है महत्वपूर्ण नाम आता है, सबसे अव्वल नाम उनका आता है, जिन्होंने जो 1498 को कैलिकट इंडिया में उतरे, जहां पर राजा उस टाइम जमोरिन थे, उनके साथ उनके रिलेशन बने, वहां से जो है वो इंडिया जो है इन कॉन्टैक्ट आ गया, किसके, यूरोप के कॉन्टैक्ट में आ गया, यूरोपियंस अब डायरेक्ट इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते थे, जो कि पहले होता था एक क्रॉस जो है ट्रेड होता था पहले, मतलब इंडिया से अरब, अरब से यूरोप, तो अब वो अरब वाला जो ट्रेड है वो खत्म हो गया। अब जब पोर्तुगीज इंडिया आए, पोर्तुगीज ने ऑफकोर्स कोई ना कोई बुक जरूर लिखी होगी जो इंडिया कैसे जाना है, या कोई मैप वगैरह जरूर बनाया होगा कि कैसे आप इंडिया पहुंच सकते हो। सेम जो है अब उसी को फॉलोअप करते हुए बाकी जो कंट्रीज हैं, लाइक हम लोग इंग्लिश ईस्ट जितनी भी कंपनीज यहां से आगे पढ़ेंगे, वो इंडिया में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं अब इनके बाद दूसरी कौन सी सुपर जो है ट्रेडिंग कंपनी थी जो इंडिया आई थी, तो उसका नाम है गाइस द डच।
तो भाई साहब डच भी इंडिया आए हुए हैं। डच का इन्फ्लुएंस ज़्यादातर देखिए इंडिया में भी ये लोग थे, ये लोग इंडोनेशिया में थे, ये लोग थाईलैंड में थे, ये लोग श्रीलंका में थे, तो ये अलग अलग जगहों पर ये लोग जो हैं वो थे। इसलिए डच के बारे में अगर मैं बताऊँ तो देखिए द अंडर द नेम इनकी जो कंपनी का नाम था दैट इज वेरेंडिंज ठीक है, इसका नाम रखेगा याद, वेरेंडी ऑस्टे इंडस्ट्रियल कंपनी जो है इसका नाम था, ठीक है, इसका नाम था VOC भी इसको कहते थे एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसको कहा जाता था। अगर आपको ये नाम नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं है, बट याद रख लीजिएगा, कभी कभी पेपर में पूछ भी लेते हैं। सो VOC याद रखिएगा इसका, तो VOC जो है या इसको आप डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर रहता है, तो याद रखिएगा 1602 में ये कंपनी जो है वो बनी थी। किस लिए बनी थी? 1602 में इस कंपनी का एक ही मकसद था, वो था टू ट्रेड इन द ईस्ट। देखिए ये जितनी भी कंपनी ईस्ट की तरफ आएंगी उनके नाम के साथ ईस्ट लगेगा, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इट मींस ये ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। ये वर्ल्ड में अगर हम ऐसे देखें तो मैंने आपको कल ही एक ट्रीटी पढ़ाई थी, ठीक है, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ उस ट्रीटी के बारे में। और इसमें इन्होंने कहा था कि जो ईस्ट की तरफ जाएगा तो उसके साथ हम ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लगा देंगे, ठीक है। डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, देखिए इनकी जो पहली फैक्ट्री थी, मतलब जैसे वो पोर्तुगीज कहां पर आए थे, कैलिकट में आए थे, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई, आंध्र प्रदेश में जो है वहां पर, तो कहने का मतलब ये आंध्र प्रदेश में सबसे पहले आए। दे ऑल्सो क्रिएटेड अ कमर्शियल टर्मिनल्स इन गुजरात में भी थे ये, देखते जैसे सूरत, ब्रोच, कैम्बे एंड अहमदाबाद में भी जो है डच जो है उनकी सेटलमेंट को देखा गया है, वो वहां पर भी सेटलमेंट थे, केरला में वो थे, बंगाल में वो थे, बिहार में वो थे एंड उत्तर प्रदेश में भी वो थे, जैसे आगरा में, पटना में, कोचीन में, चिंसोरा में, ये सारी की सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेटलमेंट थी, इन डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो सेटलमेंट है वो करवाई हुई थी। तो ये सारी की सारी आपने याद रखनी है। देखो ये सारी चीजें याद रखिए क्योंकि मैं आपको सबसे पहले इंट्रूजन पढ़ा रहा हूं कि कैसे ये कंपनीज इंडिया आ रही हैं, कैसे ये एस्टेब्लिश हो रही हैं। अब यहां से आगे की कहानी भी आपको जल्दी ही पता चलेगी। इनका जो मेजर बेस था इंडिया में वो पुलिकट था गाइस, जैसे इनका क्या था, पोर्तुगीज का क्या पढ़ा था हमने शुरू शुरू में, कैलिकट, उसके बाद ये गोवा इनका हेडक्वार्टर बना था, वैसे ही डच का जो मेन हेडक्वार्टर, देखो इनका हर किसी का ना जो भी कंपनी होगी वो एक बेस जरूर बनाएगी, वो बेस बनाना बहुत जरूरी था, बिकॉज बेस नहीं होगा तो ट्रेड कैसे कंट्रोल करोगे। तो आप कह सकते हो कैपिटल कह दो या हेडक्वार्टर कह दो कि जिस कोई एक हेडक्वार्टर रहेगा उस हेडक्वार्टर से बैठ कर ये पूरी जो है कमांड्स मिलेगी कि कैसे कहां से ट्रेड कितना करना है, इस साल हम किस में ट्रेड करेंगे, कहां से कौन सा क्या होगा, तो इन सब चीजों का ध्यान जो है यहां पर रखा जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। द मेजर बेस जो है इनका पुलिकट में था, जो सब्सिक्वेंटली सुपरडाइज्ड बाय द बाई नागीपट्टनम। नेक्स्ट दे डिफीटेड द पोर्तुगीज, इन्होंने 17th सेंचुरी में पोर्तुगीज को हराया था एंड बिकम द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूरोपियन कॉमर्स इन द ईस्ट। और ये काफ़ी ज़्यादा, ये कंपनी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनना स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, लेकिन जल्द ही हमें इसका डिक्लाइन देखने को मिलना स्टार्ट हो गया। तो डिक्लाइन ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप मैप पर भी देख सकते हो कि ये लोग कहाँ कहाँ पर सेटल थे। तो ये देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश में थे, ट्रैंक्यूबर में ये थे, कैलिकट में ये थे, देन वी हैव देखिए यहां पर गुजरात वाली साइड ये थे, बंगाल में ये थे, तो अलग अलग जगहों पर इनके बेस जो है वो बने हुए थे। अब इनके अगर हम डिक्लाइनेशन की बात करें कि ये क्यों डिक्लाइन हुए, तो इंग्लिश ने रिटेलिएशन एंडेड इन द डच बीइंग डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हुगली। तो देखिए जब बैटल ऑफ हुगली हुई 1759 में, नवंबर का महीना चल रहा था और इस टाइम पर हुई बैटल ऑफ हुगली इन वेस्ट बंगाल, जो कि माना जाता है कि डच की जो है वहां से डाउनफॉल जो है वो शुरू हो गया था। मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि जो ये ट्रेडिंग कंपनीज हैं, ये जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया आएंगी, इन ट्रेडिंग कंपनीज में क्या है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करेगी, अपने ही राइवली ग्रुप्स को आउट करना स्टार्ट कर देगी। वो क्या करेगी, वो जो है इन जितनी भी इसकी कंपनीज हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, या हम लोग बाकी की बात करें तो
अंग्रेज ही हैं जो इन सबको आउट करेंगे पिक्चर से, किस लिए कि पैसा प्रॉफिट कमाना है। अगर ये लोग नहीं जाएंगे तो प्रॉफिट डिवाइड होगा, ब्रिटिशर्स वांट मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम द इंडियन ट्रेड, इसलिए वो इनको खत्म, इसलिए ये लोग यहाँ पर ट्रेड वॉर्स में पड़ गए। तो इन्होंने आपस में बैटल ऑफ हुगली लड़ी, देयर बाय एंडिंग डच एम्बिशन इन इंडिया, और डच का जो मेन मकसद इंडिया के अंदर था उसको खत्म किया। द डच वर नॉट इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग एन एम्पायर इन इंडिया, हालांकि डच जो है वो उनका कोई इंटरेस्ट इंडिया में नहीं था कि वो कोई इंडिया में अपना एम्पायर या कोई, जैसे पोर्तुगीज अपनी पावर्स को बढ़ा रहे थे वैसा कुछ इनका इंटेंशन नहीं था, ठीक है। देयर मेन फोकस वॉज ट्रेड, उनका मेन फोकस ट्रेड के ऊपर भी था कि ट्रेड करो, प्रॉफिट कमाओ, निकलो भाई, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। इन एनी इवेंट देयर मेजर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वॉज इन द इंडोनेशियन स्पाइस आइलैंड, जबकि इनका जो मेजर इंटरेस्ट था वो था इंडोनेशियन में, मतलब इंडोनेशियन जो हमारी पड़ोसी जो देश है इंडोनेशिया, थाईलैंड है ना, उस जगहों पर जो मसाले वगैरह जो वहां पर बनते थे उनका ट्रेड करना, उन जगहों उन एरियाज के लिए ये काफी सीरियस थे एज कंपेयर टू इंडिया में इनका कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। फ्रॉम विच दे मेड अ लार्ज प्रॉफिट, जहां से वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहां से देखिए हमें पता क्या चल रहा है कि डच जो है वो लेस इंटरेस्टेड थे इंडिया में, और इनके साथ साथ हम लोग जो है नेक्स्ट जो आपके आ रहे हैं डच के बाद, दैट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गाइस, ठीक है। तो देखिए अब ब्रिटिशर्स की एंट्री अब इंडिया होने जा रही है दोस्तों, तो इनके ऊपर भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनके ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो देखिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कहाँ से आई थी भाई साहब, ये आए थे इंग्लैंड से, या आज के टाइम पर हम कहें तो यूके वगैरह है ना, कनाडा जो आपका है, तो वहाँ से ये लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं। सो इंग्लिश एसोसिएशन और कंपनी टू ट्रेड विद ईस्ट वॉज फाउंडेड इन 1599, इसकी डेट याद रखिएगा, बिकॉज डेट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट आपसे पूछ लेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब बनी थी, है ना, तो इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए इनकी फॉर्मेशन डेट जो है वो याद रखेगा। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, 1599 में बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स नाउन एज द मर्चेंट्स एडवेंचर्स, एक ग्रुप था वहां पे मर्चेंट्स का जिनका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक कंपनी बनाएंगे, और वो कंपनी क्या करेगी भाई साहब, वो कंपनी जाकर इंडिया के साथ ट्रेड करेगी, वहां से प्रॉफिट कमाएगी। क्वीन एलिजाबेथ ने इनको ग्रांट किया कॉरपोरेशन अ रॉयल चार्टर, देखिए अब ये अपनी रानी से, जो उस टाइम की रानी थी दैट इज क्वीन एलिजाबेथ, उनसे इन्होंने परमिशन मांगी कि हमें जो है वो ईस्ट इंडिया जो है इंडिया में जाने की परमिशन दी जाए, सो दैट हम लोग वहां पर जाकर ट्रेड जो है वो स्टार्ट करें, प्रॉफिट कमाएं। तो क्वीन एलिजाबेथ ने इनको परमिशन जो है वो दे दी भाई साहब। अब जब परमिशन मिली, द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इन ईस्ट ऑन डिसम्बर 31st 1600, कब इनको परमिशन मिली, कौन से साल में, तो 1600 में, 1599 में ये कंपनी बनी, और 1600 में ये लोग इंडिया की तरफ रवाना हो गए, या चार्टर इनको मिला, एंड नाउ दिस बिकम द ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर जब जैसे इनको चार्टर मिला के हाँ आप जाकर इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हो, तो फिर इस कंपनी ने अपना नाम बदल कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब राइज क्या था इनका, राइज ऑफ इंग्लिश में अगर हम जाएं तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है लैंडेड द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर एम्परर जहांगीर इन 1609। जब इंग्लिश इंडिया आए तो उस टाइम पर इंडिया में पोर्तुगीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके थे, क्योंकि वो 1400 में आ रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पोर्तुगीज का जो इन्फ्लुएंस इंडिया के अंदर था वो काफ़ी पीक पर था। तो पोर्तुगीज तो भाई साहब इंडियंस को एंट्री, ब्रिटिशर्स को एंट्री देगा नहीं जिन जिन जगहों पर पोर्तुगीज की सेटलमेंट होगी, जैसे उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपने इंडिया में स्टार्ट की थी, तो वो ना तो ईस्ट साइड ना तो वेस्टर्न साइड में वो आने देगा भाई साहब। नाउ अब हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास एक ऑप्शन बनता है, वो है कि वो अगर मुगल एम्परर उस टाइम जो थे इंडिया में जहांगीर थे, कि अगर हम जहांगीर के पास चले जाएं, जहांगीर से हम अगर परमिशन मांगे, तो हो सकता है वो अपने किसी एक जगह पर हमें जो है वो हमें परमिशन दे दे कि आप यहां पर फैक्ट्री खोल सकते हो। तो इस उम्मीद के साथ कैप्टन विलियम्स हॉकिन अपना जहाज लेकर इंडिया पहुंचे, इनके जहाज का नाम हेक्टर था। अगर आपको ये जहाज का नाम याद नहीं रहता तो देखिए ब्रिटिश ब्रांड है गाड़ियों का, आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है MG हेक्टर, तो आप इसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो वो ब्रिटिश ब्रांड है, तो वो ये ब्रिटिश शिप था हेक्टर। तो
जो हैं विलियम, कैप्टन विलियम हॉकिंस अपना जहाज लेकर इंडिया पहुंचते हैं और कहां जाते हैं, मुगल कोर्ट में। और मुगल कोर्ट में किस लिए जा रहे हैं, इस पर इसलिए कि जो जहांगीर हैं वो अंग्रेजों को परमिशन दें कि वो फैक्ट्री खोल सके कहां पर, सूरत के अंदर। ये इंटरेस्ट है इनका पहला शुरू में। देखो आप अंग्रेज क्या कर रहा है, सबसे पहले आ रहा है इंडिया, जहांगीर से परमिशन मांग रहा है कि सर प्लीज ग्रांट अस परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री इन सूरत में। लेकिन जहांगीर साहब ने इनको परमिशन नहीं दी। हो सकता है यहां पोर्तुगीज का भी रोल रहा हो कि आप इनको परमिशन नहीं दो। सो एम्परर हाउएवर डिक्लाइन टू ऑनिंग द पोर्तुगीज प्रेशर। यस, यहां पर यही तो हुआ। अब पोर्तुगीज ऑलरेडी एक सुपर जो है काफी इन्फ्लुएंशियल पावर बन चुकी थी इंडिया में, तो और कहीं ना कहीं पोर्तुगीज की हेल्प भी बहुत बार ली हुई है मुगल्स ने। जैसे हमने पहले पढ़ा तभी तो इनको लैंड जो है वो ग्रांट की जा रही थी इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, पोर्तुगीज ने तो कहा होगा कि भाई साहब ब्रिटिशर्स को परमिशन नहीं दी जाएगी यहाँ पर फैक्ट्री खोलने की, तो ब्रिटिशर्स ने को नहीं मिली परमिशन। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस काफ़ी टाइम तक जहांगीर के कोर्ट में रहे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए किसमें, अपने परमिशन लेने में। लेटर बाद में 1612 में जहांगीर गेव द ईस्ट इंडिया कंपनी अ परमिशन टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट सूरत। और आखिरकार 1601 में ये इंडिया आए थे, लेकिन 1612 में आकर इनको जो है वो परमिशन मिल गई। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है वो है सर थॉमस रॉय का। ठीक है, सर थॉमस रॉय जो है इनका नाम जो है इसमें काफी बार इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि ही वॉज द पर्सन जिनके टाइम पर ब्रिटिशर्स को परमिशन मिली थी फैक्ट्री खोलने की कहां पर, सूरत में। अराइव्ड एट द मुगल कोर्ट वाज एन एनॉय ऑफ द जेम्स आई किंग ऑफ द इंग्लैंड, जो बेसिकली क्या थे, एक दूत थे जिनको भेजा गया था, जेम्स आई किंग जो थे उस टाइम इंग्लैंड के, जेम्स वन, उनके द्वारा इनको इंडिया भेजा गया था इन 1615 में। And was successful in obtaining an imperial firman to trade and dwell factories in various region of the India. और सर थॉमस रॉय को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के, ना सिर्फ मुगल्स के अंडर बल्कि जितनी भी इंडियंस के अलग अलग टेरिटरीज हैं उन सब में जो है परमिशन दी जाएगी किस लिए, क्या फैक्ट्री खोल सकते हो। तो देखो अब ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे क्या हो गया, अब जो है इनको इनको परमिशन मिल गई भाई साहब कि आप फैक्ट्री इंडिया में खोल सकते हो। तो जिस पॉइंट का वो वेट कर रहे थे, जिस वक्त का वो वेट कर रहे थे कि इनको जैसे ही परमिशन मिलेगी तो ये इंडिया में फैक्ट्री सिस्टम जो है वो खोल देंगे, और आखिरकार वो मौका आ गया और इन लोगों ने इंडिया में अपनी फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ गाइस, इंग्लिश डेवलप्ड फैक्ट्रीज इन आगरा। अब देखो इनने आगरा में, दैट इज इन उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद, गुजरात, बड़ौदा, ब्रोच एक्सेट्रा, इन सब जगहों तक 1969 तक लगभग हर एक जगह जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा दी भाई साहब। तो जो पॉइंट यहां पर याद रखना है वो ये है कि फाइनली ब्रिटिशर गॉट द परमिशन एंड दे स्टार्ट एस्टेब्लिशिंग देयर सेटलमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया भाई साहब, और यही था ब्रिटिशर का यहां पर मेन मकसद। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं गाइस कि क्या होता है, मसूलीपट्टनम जो है वाज़ द साइट ऑफ इंग्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ। देखो पहली फैक्ट्री, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, अगर आपको पूछा जाए कि ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री का नाम बताओ कहां पर लगी थी, तो आप बोलोगे सर सूरत में। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए साउथ ऑफ इंडिया में बताओ कहां पर लग रही है, साउथ ऑफ इंडिया में पहली फैक्ट्री कहां लग रही है, तब जाकर आप कहोगे कि सर मसूलीपट्टनम में ये लोग लगा रहे हैं इन द साउथ। फ्रांसिस डे ब्रॉट मेड्रास फ्रॉम द राजा ऑफ चंदेरी। अब ये देखो फ्रांसिस डे एक और ब्रिटिशर्स पर्सनैलिटी है इंडियन के अंडर, इसने क्या किया, इसने मेड्रास को लीज पर ले लिया फॉर द राजा ऑफ चंदेरी नगर इन 1639 एंड इरेक्टेड अ मॉडर्स्ट फोर्ट अराउंड देयर फैक्ट्री कॉल्ड फोर्ट सर जॉर्ज। गाइज ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखो मेड्रास को लीज पर ले लिया गया इस राजा से, और जैसे इसने लीज पर ले लिया तो इसने क्या किया, इसने मेड्रास सिटी के वहाँ पर एक फोर्ट बनाया जिस फोर्ट का नाम था फोर्ट सेट जॉर्ज। और याद रखना गाइज यही फोर्ट सेट जॉर्ज जो है ये हेडक्वार्टर बना था ब्रिटिशर्स का, ये हेडक्वार्टर था ब्रिटिशर्स का। यहीं से देखेंगे हम लोग कि ये लोग इसी सेंटर से बैठकर कैसे
इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को कब्जा करेंगे, जिसमें बॉम्बे भी आपका कैप्चर हो जाएगा, जिसमें बंगाल जो है कैप्चर होकर इनकी कैपिटल सिटी बनेगी, और जब इनका एम्पायर पूरे एंटायर इंडिया में एस्टेब्लिश होगा फिर ये मैड्रास से शिफ्ट होंगे कोलकाता। तो पहली जो इनकी सेटलमेंट थी इंडिया में, जो इनका हेडक्वार्टर बना वो था मैड्रास। मैड्रास के बाद फिर ये कैलकाटा चले गए थे, कैलकाटा से फिर ये शिमला चले गए थे, शिमला से फिर ये दिल्ली भी आ गए थे। तो इनकी कैपिटल जो है वो लगातार जो है वो शिफ्ट होती रही है। तो ब्रिटिशर्स इसीलिए हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं। अब देखिए 1668 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी परचेज्ड बॉम्बे फ्रॉम द चार्ल्स सेकंड देन द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड बॉम्बे बिकम द कंपनीज वेस्ट कोस्ट हेडक्वार्टर। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये जो बॉम्बे था ना, ये जो बॉम्बे है इस बॉम्बे को ब्रिटिशर्स को एज अ गिफ्ट दे दिया गया। इस ये जो बॉम्बे है ये एज अ गिफ्ट मिला, क्या मिला, गिफ्ट मिला टू किसको, चार्ल्स सेकंड, ये वाले चार्ल्स सेकंड को जो है ये गिफ्ट मिला। किसने दिया भाई साहब, ये दिया पोर्तगीज ने, किसने दिया, पोर्तगीज ने दिया था, किस लिए, क्योंकि इस चार्ल्स सेकंड ने पोर्तगीज के जो किंग थे उनकी जो बहन थी उसके साथ शादी की थी। ठीक है, सो देखिए ब्रिटिशर्स वो कहते ना साम दंड भेद, हर एक चीज से अपनाएंगे और जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को जो है वो बढ़ाएंगे। तो देखो बॉम्बे जो है इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा दी, साउथ ऑफ इंडिया में ये लोग सेटल हो गए, आगरा में ये सेटल हो गए हैं, वेस्ट बंगाल में अभी सेटल होंगे। और उसके बाद देखिए बॉम्बे इनके लिए जो है वो कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज बॉम्बे जो है वो एक वहाँ एक बहुत बड़ा पोर्ट सिटी था और उसको कैप्चर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था अगर आपको ट्रेड से प्रॉफिट कमाना है। तो इन्होंने क्या चाल चली, इन्होंने क्या किया, जो चार्ल्स सेकंड थे इंग्लैंड के उन्होंने पोर्तगीज के जो राजा हैं उसकी बहन के साथ शादी कर ली और दहेज में क्या मांग लिया कि भाई साहब दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी आप दो वो कहते हैं ना आप दो जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी, बट बदले में आप हमें क्या दोगे, बॉम्बे, हमें बॉम्बे चाहिए। तो चार्ल्स जो है पोर्तगीज के जो राजा थे उन्होंने कहा ठीक है भाई आपको बॉम्बे दे दिया। तो देखिए बॉम्बे एक बहुत बड़ा एरिया था, उसको कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट था और इस तरीके से उन्होंने इसको कैप्चर कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं जॉब चौनोक फाउंडर द इंग्लिश वर्कशॉप इन द रीजन नाम सुतांती। अब देखो ये सुतांती कहाँ है, ये बंगाल में है, ठीक है, ये बंगाल में है, यहाँ पर बंगाल में जो है इसने इसको इस एरिया में परमिशन इनको मिली कि हाँ ठीक है आप वेस्ट बंगाल के अंदर भी अपना जो है फैक्ट्री सिस्टम एस्टेब्लिश करते हो। तो जो जॉब चौनोक थे इनको जो है इन्होंने क्या किया, सुतांती विलेज में अपना जो है सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया। तो देखो वेस्ट हम लोग देखते हैं गुजरात से लेकर तुम अब चलो गुजरात इनके पास, मसूलीपट्टनम इनके पास, ट्रंक्यूबर इनके पास, इससे ऊपर हम सीधा आते हैं बंगाल इनके पास, तो तकरीबन जितने कोस्टल एरिया के मेजर पॉइंट हैं वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स के पास आ गए और इनके इन पॉइंट्स को कैप्चर करने में हर एक पर्सनैलिटी का अपना एक रोल रहा है। इट अल्टीमेटली बिकम द सिटी ऑफ कैलकाटा। बाद में चलकर क्या हुआ था बेसिकली, चलो मैं आपको बता ही देता हूं, ये तीन गांव हुआ करते थे, तीन गांव थे ये, गोविंदपुर वी हैव सुतांती एंड एक और गांव था यहाँ पर राइट, मुझे अभी उसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बट मैं कोशिश करूँगा इसको मैं बता दूँ। तो तीन गांव थे, गोविंदपुर सुतांती और एक और गांव था यहाँ पर, इन तीन गांव को जो है गाइज ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था कि ठीक है आप इन जगहों पर क्या कर दो, आप अपना बेस बना दो या सेटलमेंट करो। इन्होंने क्या कर दिया, इस गांव के चारों तरफ जो है वो क्या बना दिया गाइस, फोर्ट बना दिया, और यही फोर्ट आगे चलकर आप किस नाम से जानते हो इसको, फोर्ट विलियम, सुना होगा नाम आपने, तो ये बना था फोर्ट विलियम, ठीक है, ये बना था फोर्ट विलियम, और ये क्या था, ये भी हेडक्वार्टर था किसका, ब्रिटिशर्स का इन ईस्टर्न कोस्ट में, जैसे मैड्रास था साउथ में, ईस्ट में इन्होंने किसको बना दिया, बंगाल को। तो यही आगे चलकर यही जगह जो है वो कलकत्ता सिटी के नाम से कहलाई जाती है या आप कलकत्ता सिटी के नाम से हम इसको जानते हैं गाइज, ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो ऑब्वियसली। उसके बाद देखते हैं कि ब्रिटिश टाउन्स इन मैड्रास बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रू इनटू अ थ्राइविंग मेट्रोपॉलिटन पॉलिसीज। देखिए तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये जितने भी टाउन्स ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किए, जैसे हमने मैड्रास में देखा, हमने देखा कि बॉम्बे उन्होंने कैप्चर किया, हमने देखा कलकत्ता भी उनके पास आ गया, तो यही सिटीज आगे चलकर मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, जैसे आप आज कहते हैं ना मेट्रो सिटी, तो उसी टाइम की ये मेट्रो सिटी बनी। इन सिटीज में काफी ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो देखी गई। एज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड इट्स प्रोमिनेंस इट वॉज द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ सॉवरेन स्टेट इन इंडिया। तो धीरे धीरे क्या हो गया गाइज, जिस तरीके से इन लोगों ने
इन सब टाउन्स को कैप्चर किया, तो एक के बाद एक जो है ये अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स इंडिया में बनते जा रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश मिशन जो है हेडेड बाई जॉन सरमन टू मुगल एम्परर फारूक सायर्स कोर्ट इन 1715 गेन द थ्री नोटेबल फरमांस ग्रांटिंग द कंपनी न्यूमेरियस इंपोर्ट राइट्स इन बंगाल गुजरात एंड हैदराबाद। ये है पॉइंट समझने वाला। देखिए बंगाल गुजरात और हैदराबाद ये तीनों ऐसे एरिया है जहां पर रूल किसका चल रहा था, मुगल्स का रूल चल रहा है, ठीक है, मुगल्स का रूल चल रहा है। और मुगल के एक रूलर हैं जिनका नाम है फारूक सय्यर। फारूक सय्यर क्या कर देता है, फ्री ड्यूटी पास दे देता है, फ्री ड्यूटी पास जो है वो दे देता है भाई साहब, फ्री ड्यूटी पास। फ्री ड्यूटी पास मतलब क्या है कि जो कंपनी है वो क्या करेगी, वो फ्री ट्रेड करेगी, यहाँ पर क्या करेगी, फ्री ट्रेड जो है वो करेगी। फ्री ट्रेड इन द सेंस के देखो ये कंपनी का ना मतलब साल का एक टेंडर दिया जाता था जिसमें इन्होंने कहा कि आप हमें 3000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से दोगे, ठीक है, पर एनम का आप हमें 3000 दोगे। जबकि जो एस्टिमेशन देखी गई थी ये यहाँ से अगर हम यूरो की बात करें तो 50,000 के आसपास से लेकर 1-3 लाख तक जो है ये लोग प्रॉफिट वहाँ से कमा रहे हैं, ठीक है। और हमें इंडियंस को कितना दे रहे थे, सिर्फ 3000। कैन यू इमेजिन, ये सब जो है वो प्रोसेस चल रहा है, कहाँ 50,000 से 3 लाख है प्रॉफिट वो कमा रहे हैं और इंडिया में उसको फिक्स कितना किया गया कि आप हमें सिर्फ 3000 ही दो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ट्रेडिंग पास था ये सिर्फ कंपनी को दिया गया था, किसको दिया गया था, कंपनी कौन सी है भाई साहब, ईस्ट इंडिया कंपनी है, याद रखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड के लिए कहा गया था। अब यही जो पास है ये आगे जाकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी और इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी होंगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ये देखिए ये मैं मैप पर आपको दिखा रहा हूँ, ये बॉम्बे इनके पास है, ये कोचिन में ये थे, ये कैलिए, सारा का सारा एरिया यहाँ पर और यहाँ पर, ये तीन ट्रेडिंग सेंटर्स ब्रिटिशर्स के पास थे गाइस, और इन्हीं से उन्होंने पूरे अपने ट्रेड को जो है वो संभाला हुआ है, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए आपने किसके बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्या क्या इनके मकसद रहे, किस तरीके से इन्होंने परमिशन मिली, किसने परमिशन दी, क्या नहीं दिया। हो सकता है आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको समझ ना आ रहा हो कि पता नहीं कैसे मतलब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे, बट डोंट वरी गाइज, हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होगा हम आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आए, मतलब हर टॉपिक के बाद आपको एक एमसीक्यू दिए जाएं, सो दैट यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, एंड फिर आप उसको टैकल कर सको, आपको पता चल जाए कि मुझे फोकस किस चीज पर करना है गाइस, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कल यहां से आगे का सफर हम अपना जारी रखेंगे, हम देखेंगे कि इंग्लिश के बाद फ्रेंच कैसे इंडिया आए या बाकी जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर कैसे हुई और कहां कहां पर हुई गाइस। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स ऑफकोर्स जरूर करें। आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर है उस पर हमें हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे देखिए नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। अगर आप कोई भी कोर्स बाई करना चाहते हो या आपको कोई भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइज़।